फ्रेंड्स, आई एम शिखा, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ भटूरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस भटूरे के आटे से आप नान भी बना सकते हैं। लेकिन आटे के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी मैदा लेंगे। हम इसी आटे का नान भी मैं आपको आज बताऊंगी। इसमें हम गार्लिक नान और प्लेन नान और चीज चिली नान भी बता रही हूँ। ये देखिए, एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, 1/4 चम्मच मैंने इसमें खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। ये बिना ईस्ट के बता रही हूँ मैं आप। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 कप मैंने मिल्क लिया है जिससे मैंने वार्म किया है। वार्म मिल्क में मैं शुगर ऐड कर दी हूँ ताकि डिजॉल्व हो जाए। और हम इसका आटा जो है वह दही से करेंगे। इसके अलावा सूखे इसमें हम डालेंगे इसमें 1/2 कटोरी रवा। ही हमारे क्रिस्पी भटूरे बनेंगे। और हमारी गर्म दूध में घुल चुकी है। अब हम इससे भटूरे का आटा करेंगे। इसके अलावा हम इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करें और ये जो गर्म दूध जिसमें शक्कर घुल चुकी है ये डालें हम। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना डालते जाएंगे। जो मैंने लिया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम इसका आटा करेंगे। अब ये आटे को हम हाथ से अच्छी तरह से सॉफ्ट करेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच मैं इसमें मिल्क पाउडर भी डाल रही हूँ। हमें ऐसा लगता है कि दूध हमने ज़्यादा ले लिया है या दही हमने ज़्यादा ले लिया है तो आटा नहीं तो गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया है। इसमें हो चुका है। मैं थोड़ा सा तेल के हाथ लगा के इसे खूब अच्छी तरह से 10 मिनट तक के हमें इसे मलना है। तेल का हाथ लगा के आटा हमारा बहुत ही सख्त होना चाहिए। आटा उतने ही अच्छे भटूरे बनते हैं। अब इसे हम 1 घंटे के लिए वेट क्लॉथ से ढाँक कर इसे अब हम रख देंगे। आटा हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही टाइट आटा किया है मैंने। अब मैं इससे आपको गार्लिक नान बनाना, चीज चिली नान बनाना जो कि तवे पे बनेगा उसकी रेसिपी बता रही हूँ। आटा हमारा तैयार हो चुका है, इसे मैंने 1 घंटे तक के ढाक के रख दिया था। अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। और 2 तरह के नान आपको बता रही हूँ मैं, चीज चिली नान और चीज गार्लिक नान मैंने तैयार कर ली है। अब इसे हम हल्का सा तेल लगाकर लगाएंगे चौकी में और फिर इसे हम बेलेंगे। अब इसमें हम थोड़े से गार्लिक चिली, गार्लिक जिसे मैंने काट के रखा है और थोड़े से गार्लिक मैंने क्रश कर लिए थे, हरी मिर्ची और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और हल्के हाथ से हम इसे दबाएंगे। थोड़ा डालें यदि गार्लिक ज़्यादा पसंद करते हैं तो। मिर्ची आप अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, थोड़ी कम ज़्यादा भी हरी मिर्ची ले सकते हैं आप। थोड़ा सा प्रेस करें ताकि बेलते समय टूटे ना। और हल्का सा अब हम इसे बेलन से हल्का सा बेल लें ताकि सबसे पहले तवे में भी हल्का सा बटर लगा लें। चारों तरफ अच्छी तरह से मैंने बटर लगा दिया और इसे अब हम सेकेंगे। हम इसमें एक तरफ बटर लगाते हैं इसमें, फिर इसे पलटेंगे। थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद इसे पलटें। अब इसे हम पलटेंगे। अब हम बटर लगाएं। थोड़ा सा और सेकें। हमारा ये चिली गार्लिक नान तैयार है। थोड़ा सा बटर और लगाएं देते समय। आपको चीज चिली गार्लिक नान की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए भी मैंने एक लोई ली है, इसे हल्का सा बेलें, और चीज जिसे कि मैंने ग्रेट करके रखा है इसकी हम स्टफिंग करेंगे। इसमें थोड़ा सा और बेलें, थोड़ी छोटी है लोई, हाथ में लें और चीज जो मैंने ग्रेट करके रखा है वो अच्छी तरह से इसमें अंदर डालें। नमक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ में वैसे ही नमक होता है। चाहिए तो हम थोड़ी सी इसमें काली मिर्ची डालेंगे हल्की सी और इसे बंद करेंगे। ये इस तरह से इसे बंद करें, ये इस तरह से इसकी प्लेट्स बनाते हुए इसे बंद करना है हमें, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं इस तरह से। अच्छी तरह से इसे बंद करें और हल्के हाथ से इसे दबाएं। अब इसे हम बेलेंगे। इसमें हल्के हाथ से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि आसानी से बेल जाए। चौकी में भी हल्का सा तेल लगा लें। अब इसे हम बेलेंगे। इस तरह से इसे पूरा पैक करें। और इस लोई को बेलने से पहले हम थोड़े से
हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काट के रखी है, लहसुन जो मैंने बारीक काट के रखे हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया, ये ले ले। मैंने भी तैयार किया है इस लोई में, जिसके अंदर मैंने चीज भरा है। इसमें अब हम हल्का सा इसे लगाएंगे, इस लोई को इसके ऊपर रखें। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से जितना मैं ये काट के रखा है मैंने हरी मिर्ची, गार्लिक बारीक कटे हुए, इन्हें लगाएं। अब इसे हम हल्के हाथ से बेलेंगे, बेलन में भी हम हल्का सा तेल लगा लें ताकि ये चिपके ना। अब इसे हम हल्के हाथ से बेल लें, थोड़ा सा ओवल शेप ही बेलें। ये देखिए बहुत आसानी से बेल जाता है ये, इस तरह से एक बार उठा के पलट के बेलें। नान जो मैंने बेल लिया है वो इस इसमें रखेंगे, हल्का सा फैलाने चारों तरफ। अब इसे अब हम सेकेंगे, इसमें हम बटर लगाएंगे। अच्छी तरह से बटर लगाएं और इसे अब दोबारा हम पलट लेंगे। इस तरफ से ये सिक चुका है, इधर हल्का सा और सेकें। चीज़ चिली नान बहुत ही अच्छा लगता है, मेल्ट हो चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। हमारा चीज़ चिली गार्लिक नान तैयार है। अब इसे चीज़ चिली गार्लिक नान की रेसिपी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।